स्टार्ट विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस राहिला। टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर एक्सरसाइज टीच यू एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट 1 लिटिल थिंग्स। ये लेसन है आपका लिटिल थिंग्स। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है, फर्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। ये रीड द फॉलोइंग फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, यू आर अ ब्लेसिंग, यू हैव वेरी हेल्पफुल, यू आर ग्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी कॉम्प्रेशन फोकस, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु रोट दिस पोयम, क्वेश्चन है हु रोट दिस पोयम। इसका आंसर ये है, जूलिया एकर्नी वाज एन अमेरिकन एजुकेटर एंड पोएट, रोट दिस पोयम, ठीक है। ये यहाँ तक आंसर है, आप देख लें। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक अवर लाइफ हैप्पी। इसका आंसर है, अवर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक अवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, ओके। ये यहाँ तक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब थर्ड, ये एक्सरसाइज है सी फोनिक फोकस, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स, ठीक है। हार्ड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। हार्ड साउंड्स ऑफ द लेटर सी, सी के जो हार्ड साउंड है वो कौन से हैं, गेट कैंडल कैरेट क्रेब क्लम्प। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेटर सी, नाइस पेंसिल फैंसी सेंटर सेंट, ओके। अब हार्ड साउंड ऑफ द लेटर जी, ग्रेट गोरिल्ला गिटार ग्लेड गार्बेज। सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेटर जी, जिम जिप्सी जिंजर जिम जिराफ, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द गिवन वर्ड्स एंड सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू द हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर्स सी एंड जी, कर्ली गैस सी एंड जी के जो है हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। कर्ली गैस गम सेंटर सिटीजन जेल जर्नल कैब कॉमेडी जियान ग्रोसिटी, ओके। तो यहाँ क्या करना है, टेबल्स बनी हुई है लेटर सी की और लेटर जी की, ठीक है। तो लेटर सी में हार्ड साउंड भी है और सॉफ्ट साउंड भी। कर्ली कैव कॉमेडी सॉफ्ट साउंड में है, सेंटर सिटीजन सिटी, ओके। लेटर जी में क्या है, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड कौन से हैं, गैस गम ग्रो, और सॉफ्ट साउंड कौन से हैं, जनरल जी एंड गैल, ओके। अब नीचे जो है वोकैबुलरी फोकस है, ठीक है। रीड द गिवन वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स, इटर्निटी इन्फिनेट और अनएंडिंग टाइम। ये वर्ड्स मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, माइटी वेरी लार्ज पावरफुल और इम्पॉर्टेंट, स्ट्रे टू लॉस्ट डायरेक्शन, वर्च्यू अ गुड एक्ट, ओके। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 4। अब ये है, रीड द पेयर्स ऑफ रेमिंग वर्ड्स गिवन बेलो। अब ये पेयर्स हैं रेमिंग वर्ड्स के, फ्लाइट नाइट साई हाई फनी सनी। लिस्ट टू पेयर्स ऑफ रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम यू हैव रीड। जो पोयम में हमने टू वर्ड्स पढ़े, पेयर्स पढ़े थे रेमिंग के, वो ये हैं, ये भी लिखने हैं, ठीक है। यहाँ लैंड सेंड स्ट्रे अवे। अब अगली एक्सरसाइज है, मेक मोर वर्ड्स रेमिंग विथ ईच गिवन वर्ड्स एंड यूज एनी टू पेयर्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब ये है कि इनके एक जैसे जो इससे रिजेंबल वर्ड हों वो बनते हों, वो लिखने हैं हमें, ठीक है। गेट जैसे लिखा हुआ है, हमें मिला हुआ है, तो गेट का लेट मेट नेट, किंग स्विंग ब्रिंग स्ट्रिंग, माइट टाइट हाइट लाइट, ओके। ये एक्सरसाइज होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर फोकस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। रीड द गिवन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। हमें ये हम पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिनको हम गिन सकें, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी ये डेफिनेशंस मिली हुई है हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस की। रीड मी, ठीक है, रीड मी में लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउंस आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। एग्जाम्पल है बुक बुक्स, टेबल टेबल टेबल्स, रूम रूम्स। जैसे काउंटेबल नाउंस वो होते हैं जो हम
गिन सकते हैं। कोई भी चीज़ गिनती में जो आए उसे काउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे बुक है बुक्स। काउंटेबल में क्या है, जैसे बुक है तो बुक्स भी होते हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएँ। टेबल हैं तो टेबल्स काउंट कर सकते हैं। रूम हो तो रूम भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम, काउंटेबल थिंग्स कौन सी, नाउन्स कौन से होते हैं जो हम गिन सकते हैं, गिनती में आ सके, ठीक है। और जो जिसके हम प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं काउंटेबल नाउन्स में, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, उनको प्लूरल फॉर्म उनके नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल है मिल्क, नेचर, हीट, ये हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क हम नहीं काउंट से मेजर कर सकते हैं मगर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हीट भी हम नहीं काउंट कर सकते, नेचर नहीं काउंट कर सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सैडनेस काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, कैट, हम कैट की गिनती कर सकते हैं। वुमेन, पेंसिल, बैग, इन सब चीज़ों की हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में ये है टी, राइस, एंगर, ब्यूटी, इन सब चीज़ों की हम जो है काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनकाउंटिंग है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब वेदर दीज हाइलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल सी आर अनकाउंटेबल यू, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे जो हैं एक मिनट, डिसाइड वेदर दीज हाईलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल सी आर अनकाउंटेबल यू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमें पांच मिले हुए हैं सेंटेंसेस, इनमें हमें जो वर्ड्स हाईलाइटेड किए हुए हैं, ब्रॉड लिखे हुए हैं और हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये हमें क्या करने हैं, हम गिन सकते। काउंटेबल पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, और अनकाउंटेबल पे जो सेंटेंस होगा, अगर उसमें जैसे ये सेंटेंस है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो बच्चे क्या हैं, ये इन लोगों ने हाईलाइट कर लिया है, बहुत मतलब डार्क थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें बच्चे क्या हैं, वो खेल रहे हैं, तो बच्चे हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। मोस्ट किड्स लाइक मिल्क बट अयान हेट्स मिल्क, ठीक है। बहुत से बच्चों को मिल्क पसंद है बट अयान को नहीं है, तो यहाँ क्या है, मिल्क है। मिल्क क्या हो गया, मिल्क हम नहीं काउंट कर सकते, मिल्क अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। योर बुक इज़ ऑन द किचन टेबल, जो पहले वाले दो सेंटेंसेस हैं उनमें एक वर्ड हाईलाइट हुआ है, एक एक वर्ड हाईलाइट हुआ है, मगर यहाँ क्या है, दो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं इन लोगों ने, ठीक है, बुक और टेबल। तो योर बुक इज़ ऑन द किचन टेबल, आपका बुक जो है वो किचन की टेबल पे पढ़ा है, ठीक है। तो बुक भी एक ही लिखा है, टेबल भी, तो ये काउंटेबल है, बुक भी हम काउंट कर सकते हैं और टेबल भी, तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया, ओके। द ब्रेड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी, ब्रेड जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी है, ठीक है। अगर ब्रेड को क्या किया है इन लोगों ने, हाईलाइट, तो ब्रेड हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो हम सी को टिक लगाएंगे, काउंट को। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस वास, हमें जो ग्लू है वो हम वास को फिक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि मतलब ग्लू जो है कितना यूज़ हुआ है, हम ग्लू को काउंट नहीं कर सकते कि ये ग्लू कितना यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पजेसिव नाउन, क्या है पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन ये है, यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रीड मी, अ पजेसिव नाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज़ ऑनरशिप, ठीक है, जो ऑनरशिप जाहिर करे, जो ऐसे मतलब ऑनरशिप जैसे अपनी चीज़ अपनी मिल्कियत फील हो, इस टाइप ऑनरशिप, जो अपनी चीज़ हो, जैसे माई, यूअर, हिज, हर, अवर, देयर एंड इट्स, ओके। अब ये हमें जो है सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं अंडरस्टैंड करने के लिए इन लोगों ने दिए हैं, बाकी इसकी जो नीचे एक्सरसाइज मिली हुई है वो हमें सॉल्व करनी है, उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव को हटाएं अगर सिर्फ प्रोनाउन को देखें तो ये होता है कि नाउन जो कोई भी जगह, चीज़, नाम, कुछ भी लें, लेकिन अगर उसी की जगह पर हम जैसे कहें कि अली है, तो अली इज़ गुड बॉय, ठीक है, अली क्या हो गया, नाउन हो गया, ही, अली इज़ गुड बॉय, ही लव्स, जस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है, आप अंडरस्टैंड करें, अली क्या है, नाउन है, ठीक है, और अली इज़ अ गुड बॉय, अली गुड बॉय है, ठीक है। ही लव्स टू ईट अ लॉट,
ये पसंद करता है खाने को, बहुत ज़्यादा खाने को पसंद करता है, ठीक है। तो ही क्या हो गया, हमने अली की जगह पे ही यूज़ किया, तो यहाँ ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, अली नाउन और ही प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो अली इज़ गुड बॉय। तो अब पजेसिव क्या होता है, अब मैं आपको पजेसिव नाउन बताऊँगी। अब पजेसिव नाउन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ का मालिक होना, प्रोनाउन क्या है, किसी चीज़ का मालिक होना। जैसे हम कहते हैं इट इज़ योर पेन, इट इज़ माय पेन, इट इज़ देयर पेन, मींस के ओनरशिप। तो ये किसी चीज़ का होना, उसके कब्ज़े में, उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको कह रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब ये पढ़ेंगे हम, जो भी यहाँ रेड कलर से वर्ड्स मिले हुए हैं ये सब क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज़ माय बुक, आई लाइक इट्स स्टोरीज, ये मेरा बुक है और ये इसकी, तो ये मेरा बुक है और आई लाइक इट्स स्टोरीज, मैं इसकी स्टोरीज पसंद करती हूँ। इट्स क्या हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट दिस आफ्टरनून, मैं अपने बाल कटवाने जा रही हूँ आज दोपहर को। तो माई हेयर क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। माई मेरी मिल्कियत, मतलब माई हेयर मतलब मेरे बाल, ठीक है। वाट कलर इज़ यूर ब्रदर्स जैकेट, आपके भाई के जैकेट की कलर कौन, आपके भाई के जैकेट का कलर कौन सा है। तो ये योर ब्रदर क्या हो गया, माई ब्रदर, योर ब्रदर क्या हो गया, माई भाई, मेरा भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। दे डू नॉट वॉश देयर क्लोथ्स डेली, वो अपने कपड़े रोज़ नहीं धोते। तो देयर क्लोथ्स, देयर क्या हो गया, पजेसिव हो गया। अब यह नीचे वाली एक्सरसाइज जो है ये है, अंडरलाइन द पजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस बेलो। द टीचर लव्स हर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो गया, हर प्रोनाउन हो गया, हर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दैट इज़ नॉट माई बुक, माई बुक, माई क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। द बॉयज मिस देयर स्कूल बस, बच्चों ने स्कूल बस मिस कर ली, देयर क्या हो गया, उन्होंने स्कूल बस मिस कर दी, तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं हम। अब ये है कि पंक्चुएट, ठीक है, ये है एक्सरसाइज, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड टू ईच सेंटेंस, ठीक है। ये है, इसमें क्या कह रहे हैं, पंक्चुएट करें, मतलब जहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कामा लगाना है, जहाँ ब्रैकेट लगाना है, और फिर उनको अपनी कॉपीज़ में लिखें। और ये याद रखना है कि हम जो भी वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर होता है कैपिटल, ठीक है, हम वो कैपिटल लेटर लिखते हैं फर्स्ट वर्ड। हमें हमेशा बताया गया है कि जो भी हम कॉपी पे या कहीं भी पहला लेटर लिखे, पहला वर्ड जो भी हो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, वो हम कैपिटल ही लिखते हैं। यहाँ पंक्चुएशन या फुल स्टॉप कुछ भी हो, वो हमें ये एक्सरसाइज इस तरीके से सॉल्व करनी है। अब यहाँ है ही वेंट टू द स्टोर, तो ही क्या है, ही में यहाँ स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ की हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको एच कैपिटल कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एच कैपिटल किए, और ही वेंट टू द स्टोर, तो फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ और कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा स्टोर, तो फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ तक। वी आर स्टडिंग, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, डब्ल्यू कैपिटल आएगी और स्टडिंग लास्ट में, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। शी लाइक्स बनानास, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, एस कैपिटल आएगी, ठीक है, और लाइक्स बनानास यहाँ फुल स्टॉप आएगा। दे रीड स्टोरी बुक, दे टी कैपिटल आएगा, रीड स्टोरी बुक्स लास्ट में वही फुल स्टॉप। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, द ओल्ड मैन प्लेज गोल्फ ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम, जो बूढ़ा आदमी है वो गोल्फ खेलता है जब उसका टाइम स्पेयर ज़्यादा टाइम होता है, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, ठीक है। तो ये भी द टी क्या आएगा, कैपिटल यहाँ आएगा और ये लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, ये भी आप कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द रैम बेलो यूजिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक, ये वर्ड्स हमें मिले हुए हैं, वर्ड बैंक है ये, डे, क्लीन, अवे, ग्रीन, स्लाइस, नाइस, ओके, एंड एप्पल कैन, ये मिले हुए हैं हमें, जो है ये सूटेबल जहाँ वर्ड्स हों वहाँ हमें ये रखने हैं, ठीक है। एंड एप्पल कैन टेस्ट वेरी नाइस,
ठीक है, यहाँ नाइस सूट करेगा, डे भी नहीं आएगा, क्लीन अवे, ग्रीन स्लाइस। तो एप्पल की टेस्ट जो है वो क्या है, वेरी नाइस। टेस्ट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, नाइस। ट्राई अ बाइट और अ स्लाइस, ओके। इट इज़ रेड और इफ़ इट्स ग्रीन, इट विल टेस्ट गुड इफ़ इट्स क्लीन। अब यह है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ओके। ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, यहाँ तक ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइज, ओके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।